पहाड़ों की रानी शिमला का क्रिसमस डे और न्यू ईयर का जश्न विश्व विख्यात है। यहाँ जश्न मनाने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला का रुख करते हैं। वहीं शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में 25 दिसंबर क्रिसमस ईव का जश्न हर्षोल्लास के साथ स्थानीय लोगों व पर्यटकों ने मनाया, जहां इस दिन सुबह 9:30 पर पहले अंग्रेजी और फिर सुबह 11 हिन्दी में प्रार्थना हुई। इस दौरान स्थानीय विधायक हरीश जनार्था भी क्राइस्ट चर्च पहुंचे और प्रभु यीशु से प्रार्थना की। वहीं क्राइस्ट चर्च के पादरी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया, सुबह प्रार्थना सभा से प्रभु यीशु को याद किया गया। वहीं पर्यटकों व स्थानीय लोग भी काफी संख्या में इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु ने प्यार व भाईचारे का संदेश संपूर्ण मानव जाति को दिया है। जैसे कि आज क्रिसमस का दिन बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया, क्योंकि 2 कोविड के कारण इतने रिस्ट्रिक्शन के बीच में नहीं मना पाए, और इस समय क्योंकि लोगों को दूसरे स्टेट से भी आने का मौका मिला और लोकल लोगों को भी उत्साह मिला, और इसलिए बड़ी गैदरिंग के साथ आज के दिन को बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और जैसे प्रभु हमसे प्रेम करता और सिखाता है हम एक दूसरे से प्रेम करें, और ये प्रेम सद्भावना और शांति का दिन है जो हमें आनंद और खुशियां देता है, और ये आनंद और खुशियां हम एक दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं कि प्रभु आने वाला साल हम सबों के लिए आनंद और खुशियां लेकर आए, शांति लेकर आए, ताकि जो ये कोविड का खतरा है वो ना आए, और जो दूसरी जो बेरोजगारी है या परेशानियां हैं वो दूर हों, और लोग बड़े आनंद और खुशियों से अपना जीवन जी सके। और परमेश्वर से हम यही प्रार्थना की गई है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए और भी आनंद और खुशियां लेकर आए। वहीं स्थानीय विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि प्रभु यीशु ने सभी लोगों को आपसी प्रेम व भाईचारे का संदेश दिया है और आज उनके द्वारा दिए उपदेशों पर अमल करने की जरूरत है। वहीं इस अवसर पर सभी लोग बेहद खुश नजर आए। इस शुभ अवसर पर हम यहाँ पे चर्च में आए हैं और हम सभी प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बहुत शुभकामनाएं देंगे। मैरी क्रिसमस टू ऑल। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले जो नया वर्ष है 2023, वो सबके लिए मंगलमय रहे और सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और सबके घरों में खुशियां रहें।